और दोस्तों आने वाली है दिवाली, दिवाली के साथ ही आ गई है बीबीडी। ये बीबीडी क्या होता है? बिग बिलियन डे सेल, जी हाँ फ्रेंड्स, जो कि फ्लिपकार्ट पर होने वाली है 29 सितंबर से लेकर के 4 अक्टूबर तक। इसमें आपको बता दूं ऑफर बहुत ज़्यादा कमाल के देखने को मिल जाएंगे। मैं इस वीडियो में आपको ऐसे स्मार्टफोन बताऊँगा जिनमें काफ़ी ज़्यादा कमाल का ऑफर मिल रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, कमाल के ऑफर की वजह से आपको नहीं बता रहा हूँ, साथ ही साथ ये वास्तविक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। जी हाँ फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपके पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 10% एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा, और अगर आपके पास एक्सिस बैंक का है तो आपको क्रेडिट और डेबिट कार्ड दोनों पर ही 10% एक्स्ट्रा और मिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ 5,000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये तक के स्मार्टफोन जो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो देखते रहिए इस वीडियो को, मुझे पता है आपका कोई भी बजट हो डेफिनेटली इस वीडियो में आपको ऐसा फ़ोन मिल जाएगा जो आपके लिए जरूर से बनाए, अगर आपने बना लिया कोई स्मार्टफोन खरीदने का तो। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मेरी लिस्ट में फ़ोन आता है वो आता है 5,000 रुपये की प्राइस में Redmi 7A। इसकी जो प्राइस थी स्टार्टिंग में 6,500 रुपये प्राइस थी। इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिल जाता है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। वो बता दूं क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर दिया गया है। जब इतने प्राइस में किसी भी स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 439 नहीं देखने को मिलता है। साथ ही साथ मैं आपको एक बता दूं, इसमें आपको 2 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है इस स्मार्टफोन की। मतलब 5,000 रुपये में आपको 2 साल की वारंटी मिल रही है, तो मतलब आपका पर मंथ का जो कॉस्ट पड़ रहा है वो 200 रुपये पड़ रहा है, आप अंदाज़ा लगा के देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को तो जरूर दबाई दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा, वो मैंने किसी भी वीडियो में नहीं बोला है, मैं आपको इस वीडियो में जरूर से बोलना चाहूँगा, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप स्मार्टफोन नहीं खरीदने वाले हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके ऐसे बहुत सारे फ्रेंड होंगे जो स्मार्टफोन खरीदने वाले होंगे, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनकी मदद हो सके, वो अपने कुछ पैसे बचा सके। और दोस्तों जो मेरी लिस्ट में दूसरे नंबर पे स्मार्टफोन आता है वो आता है Realme C2। इसकी स्टार्टिंग प्राइस 7,000 रुपये थी, लेकिन अब आपको मात्र 6,000 रुपये में देखने को मिल रहा है। 13+2 मेगापिक्सल का डुअल बैक कैमरा देखने को मिल जाता है, 5 मेगापिक्सल का इसमें आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। तो आपका बजट अगर 6,000 रुपये का है तो Realme C2 को आप कंसिडर कर सकते हैं। और दोस्तों जो मैं आपको अगला फोन बताने वाला हूँ, ये मेरा पर्सनली फेवरेट स्मार्टफोन है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस रखी गई थी वो 8,999 रुपये रखी गई थी, मतलब 9,000 रुपये में आपको देखने को मिल रहा था। मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनिक्स हॉट 8 के बारे में, जो मात्र आपको 6,999 रुपये में देखने को मिल रहा है, मतलब 7,000 रुपये में देखने को मिल जाता है। इसमें आपको बैक में 3 कैमरे दिए गए हैं, 13 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का प्लस लो लाइट का दिया गया, साथ ही साथ में आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। लार्ज बैटरी के साथ आता है, 5000 mAh की बैटरी के साथ। जो फ्रेंड्स कंप्लीटली अच्छा फ़ोन है, मैं आपको बता दूं ये हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो अगर आपका बजट है 7,000 रुपये का तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड कर सकता हूं इन्फिनिक्स का हॉट 8। और दोस्तों जो मैं आपको अगला फ़ोन बता रहा हूं, इतनी प्राइस में जो आपको अब मिल रहा है, इतनी प्राइस में किसी भी फ़ोन में वो चीज़ नहीं मिल रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं ऑनर 10 लाइट के बारे में। स्टार्टिंग इसकी प्राइस थी वो 14,000 रुपये थी, अब मात्र आपको ये 8,000 रुपये में देखने को मिल रहा है। कमाल की बात यह है, इस स्मार्टफोन में आपको 24 मेगापिक्सल का सेल्फी देखने को मिल जाता है, 3GB 32GB के साथ आएगा, 13+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा भी देखने को मिल रहा है। याद रखना 8,000 रुपये की प्राइस में 24 मेगापिक्सल की सेल्फी वाला कोई भी स्मार्टफोन नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये फ़ोन रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आपके लिए सेल्फी मायने रखती है तो 8,000 रुपये का ये स्मार्टफोन आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। और दोस्तों जो मेरी लिस्ट में अगला फ़ोन आता है वो आता है Infinix S4। ये मेरी लिस्ट में क्यों आता है, क्योंकि इसमें आपको बैक में ट्रिपल कैमरे देखने को मिल जाते हैं, 13 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का। जी फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है इसमें आपको सेल्फी जो देखने को मिल जाती है 32 मेगापिक्सल की देखने को मिल जाती है। जी फ्रेंड्स, और जो इसकी प्राइस थी वो 10,999 रुपये थी, लेकिन इस ऑफर में मात्र आपको 8,500 रुपये का मिल रहा है। 8,500 रुपये का 32 मेगापिक्सल की सेल्फी वाला स्मार्टफोन हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें मिल जाएगा, तो आप जरूर से इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं अगर आपका बजट 8,500 रुपये का है। 3 कैमरे वाला स्मार्टफोन देख रहे हो जिसमें आपको सेल्फी भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की चाहिए,
तो ये स्मार्टफोन डेफिनेटली आपके लिए बना है, आप इसको जाकर के जल्दी से परचेज कर सकते हैं। सेल याद रखना है 29 तारीख से लेकर के 4 अक्टूबर तक होने वाली है, तो जितना जल्दी हो सके आप फोन को परचेज कर सकते हैं सेल के टाइम पर। और दोस्तों जब भी कभी बात चलती है 10,000 रुपए के स्मार्टफोन के बारे में, जो कि सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है, वो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ और मैं कभी नहीं भूल सकता, मैं बात कर रहा हूँ रेडमी नोट 7S के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, 3GB 32GB वाले की जो प्राइस रखी गई है मात्र आपको इस ऑफर में 8,999 रुपये में देखने को मिल रहा है, मतलब 9,000 रुपये में देखने को मिल रहा है। कमाल की बात क्यों है मैं आपको बता दूं, इसमें आपको डुअल बैक देखने को मिल रहा है 48+5 मेगापिक्सल का, साथ ही साथ इसमें जो सेल्फी देखने को मिल रही है 13 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 660 चिपसेट देखने को मिलता है 9,000 रुपये में, स्नैपड्रैगन का 660 वो भी 48+5 मेगापिक्सल का डुअल बैक कैमरा, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इसीलिए मैं इस स्मार्टफोन को कभी नहीं भूल सकता हूँ, जो कि 10,000 रुपये के अंडर आता है और अब तो मात्र आपको ये 9,000 रुपये का मिल रहा है। तो 9,000 रुपये में ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है जो कि 48+5 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आ रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो अगला फोन मेरी लिस्ट में आता है वो रेडमी नोट 7S का ही बड़ा भाई आता है, जिसका नाम है रेडमी नोट 7 प्रो। जी हाँ फ्रेंड्स, ये स्मार्टफोन 2019 का सबसे ज़्यादा सेलिंग स्मार्टफोन बना है। इस स्मार्टफोन में आपको 48+5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिलता है, साथ ही साथ इसमें आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, 4000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 4GB 64GB के साथ आएगा। और मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन वाला 675 चिपसेट देखने को मिलता है। इसकी जो प्राइस रखी गई थी स्टार्टिंग में 15,999 रुपये रखी गई थी, लेकिन अब मात्र आपको ये 10,999 रुपये में देखने को मिल रहा है, 11,000 रुपये में देखने को मिल रहा है। तो ये काफी ज्यादा अच्छी डील हो सकती है आपके लिए, अगर आपने मन बना लिया था Redmi Note 7 Pro को खरीदने का, तो दिस इज द बेस्ट टाइम, जो कि आपको मात्र 11,000 रुपये पे करने पड़ेंगे और ये फोन आपका हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे 11,000 रुपये की प्राइस में एक और फोन रिकमेंड करना चाहूंगा जो सबसे अच्छा है। वैसे आपको पता ही है कि मार्केट में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन जो कंपनियां करती हैं एक दूसरे के साथ, वो है Redmi और Realme। ये Realme 3 Pro है जो कि मात्र आपको 10,999 रुपये में मिल रहा है। इस स्मार्टफोन में आपको 6.3 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। मैं बात करूं यहाँ पे इसके प्रोसेसर की, तो इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन वाला 710 चिपसेट देखने को मिल जाता है, 4GB 64GB के साथ आएगा। बात करूं इसके कैमरे की, तो मैं आपको बता दूं इसमें 16+5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिल रहा है, 25 मेगापिक्सल की इसमें आपको सेल्फी देखने को मिल जाती है। 11,000 रुपये में 25 मेगापिक्सल की सेल्फी वाला ये स्मार्टफोन और 710 प्रोसेसर के साथ आ रहा है, तो कमाल का स्मार्टफोन है। अगर आप Redmi का नोट 7 Pro परचेज नहीं करना चाहते हैं तो Realme 3 Pro आप कंसीडर कर सकते हैं। ये दो ही ऐसे स्मार्टफोन है जो कि 11,000 रुपये की प्राइस में मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, आपका मन हो आप देख सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर आप भूल गए हैं, मुझे पता है भूल गए होंगे, तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए लोगों के लिए, ताकि उन लोगों की मदद हो सके। और दोस्तों जो मेरी लिस्ट में अगला फोन आता है वो आता है Vivo G1 Pro। ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा कमाल का स्मार्टफोन है, इसकी जो प्राइस थी 15,999 रुपये प्राइस थी, मात्र आपको ये 12,999 रुपये में देखने को मिला, मतलब 13,000 रुपये में देखने को मिल रहा है। अब ये स्मार्टफोन मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ ये भी सुन लीजिए, क्योंकि ये पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो कि पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपको डिस्प्ले में ही कैमरा दिया गया है, इसमें आपको बैक में 3 कैमरे देखने को मिल जाते हैं, फ्रंट में आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बैक कैमरे की, तो 16 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिल रहा है, 32 मेगापिक्सल की आपको इसमें सेल्फी देखने को मिल जाती है, 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 4GB 64GB के साथ आएगा। जी फ्रेंड्स, ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छी चीजें दी गई है इस स्मार्टफोन में। वैसे मैं आपको चीज और बता दूं कि इससे जो लिए गए फोटो थे वो काफी ज्यादा कमाल के आए थे। जी हाँ फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने आपको हाईली रिकमेंड करा है ये स्मार्टफोन, क्योंकि पंच होल डिस्प्ले के साथ आ रहा है, मतलब लुकिंग वाइज भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये 13,000 रुपये में आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता है, अगर आप देख रहे थे 13,000 रुपये का कोई स्मार्टफोन। तो वैसे दोस्तों कैसी लग रही है ये वीडियो, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी मेहनत थी वो आप सफल हुई कि नहीं। वैसे दोस्तों यहाँ पे 13,000 रुपये की प्राइस में मैं आपको एक और फोन रिकमेंड करना चाहूंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ Realme 5 Pro की। इसमें आपको बैक में 4 कैमरे देखने को मिल जाते हैं, 48 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का, साथ ही साथ इसमें आपको सेल्फी भी 16 मेगापिक्सल की देखने को मिल जाती है। और मैं आपको बता दूं, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन के 712 चिपसेट के साथ आ रहा है, तो ओवरऑल गुड फोन है। मैं आपको जरूर से रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आप Vivo G1
प्रो नहीं खरीदना चाहते हैं तो रियलमी 5 प्रो कंसीडर कर सकते हैं, जो कि आपको मात्र 13,000 रुपए की प्राइस में देखने को मिल रहा है। वैसे दोस्तों अगर आप गेमिंग को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, आपको कोई ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क करे, बिल्कुल भी कहीं हैंग ना करे, तो मैं आपको एक फोन जरूर से रिकमेंड करना चाहूंगा। ये फोन थोड़ा सा है तो पुराना, लेकिन प्राइस कम रह गई है, इसीलिए मैं आपको ये फोन रिकमेंड कर रहा हूँ। जी फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ पोको F1 के बारे में। इसमें आपको बैक में डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है 12+5 मेगापिक्सल का, लेकिन सेल्फी आपको इसमें 20 मेगापिक्सल की देखने को मिल जाती है। इस स्मार्टफोन को बताने के लिए मेरे पास एक ही बहुत बड़ा रीजन है, वो है इसका प्रोसेसर। इस स्मार्टफोन में जो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट देखने को मिल जाता है। वैसे जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ये स्टार्टिंग में जो आया था वो 22,000 रुपए का आया था, लेकिन इस टाइम पर ये 14,999 रुपए में देखने को मिल रहा है। मतलब 15,000 रुपए में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट किसी भी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है, मुझे नहीं पता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए, ताकि मुझे पता चल सके कि ऐसा कौन सा स्मार्टफोन है जिसमें 15,000 रुपए की प्राइस में स्नैपड्रैगन का 845 चिपसेट देखने को मिल रहा है। और दोस्तों जो मैं आपको अगला फोन बताने वाला हूँ वो काफी ज्यादा लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ रियलमी XT के बारे में। ये लोगों के दिलों पर राज क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें आपको बैक में क्वाड कैमरे देखने को मिलते हैं, जो कि 64 मेगापिक्सल का इसका प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 64 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा देखने को मिलता है, प्लस 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है, प्लस 2 मेगापिक्सल का, प्लस 2 मेगापिक्सल मतलब क्वाड कैमरे इसमें बैक में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसकी सेल्फी की बात करो तो जो आपको 16 मेगापिक्सल की देखने को मिल जाती है। इसकी स्टार्टिंग में प्राइस थी वो 17,999 रुपए थी, लेकिन अब मात्र ये ऑफर में आपको 15,999 रुपए में देखने को मिल रहा है। ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छा फोन है, 2,000 रुपए का आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। अगर आप ICICI का या एक्सिस बैंक का क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। जबरदस्त, तो आप ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा स्मार्टफोन जिसमें कैमरे काफी ज्यादा अच्छे दिए गए हो, तो वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है जो कि 16,000 रुपए में क्वाड कैमरे के साथ आ रहा है और 64 मेगापिक्सल के साथ। वैसे दोस्तों सैमसंग का A50 काफी ज्यादा लोग परचेज करने वाले थे, लेकिन उसकी प्राइस जो ज्यादा थी इसीलिए लोग उसको परचेज नहीं कर पा रहे थे। तो उन लोगों के लिए अच्छा टाइम है, क्योंकि इस टाइम पर ये सैमसंग का A50 आपको 16,999 रुपए में देखने को मिल रहा है। वैसे जो लोगों को नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा इसके फीचर्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। 25+8+5 की इसमें आपको बैक में ट्रिपल कैमरे देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ इसमें आपको 25 मेगापिक्सल का सेल्फी भी देखने को मिल जाता है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आएगा, 4000mAh की बैटरी दी गई है। ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छा स्मार्टफोन है सैमसंग का A50। तो अगर आप खरीदने वाले थे तो आप इस टाइम पर इस फोन को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑफर में देखने को मिल रहा है मात्र 17,000 रुपए का। और दोस्तों अब वक्त हो गया है कि मैं आपको बताऊं कि 20,000 रुपए में ऐसा कौन सा है स्मार्टफोन है जो कि मैंने आपके लिए रखा है। जी फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ Redmi K20 के बारे में। स्टार्टिंग में ये काफी ज्यादा लोगों को पसंद आया था, लेकिन सबसे ना पसंद आने के पीछे एक रीजन था, वो थी इसकी प्राइस। इसकी स्टार्टिंग प्राइस 23,000 रुपए थी, इसीलिए लोगों ने इसको परचेज नहीं करा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस टाइम पर ये ऑफर में आपको 20,000 रुपए का देखने को मिल रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपको बैक में ट्रिपल कैमरे देखने को मिल जाते हैं, 48 मेगापिक्सल का, प्लस 13 मेगापिक्सल का, प्लस 8 मेगापिक्सल का। साथ ही साथ इसमें आपको 24 मेगापिक्सल की पॉपअप वाली सेल्फी देखने को मिल जाती है। 6GB 128GB के साथ आएगा, स्नैपड्रैगन का 730 इसमें आपको प्रोसेसर भी देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल गुड फोन है, 20,000 रुपए की प्राइस में ये मैंने अपनी लिस्ट पर रखा है जो आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। तो 20,000 रुपए में आप Redmi का K20 डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों ये वो स्मार्टफोन थे जिनपे काफी ज्यादा अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, भर भर के डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैंने आपको जितने भी स्मार्टफोन बताए हैं सभी के लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कमेंट में भी मैं आपको पिन कर दूंगा। अगर आपको कोई स्मार्टफोन देखना है तो वहां लिंक से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं आपको कितना ज्यादा ऑफर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है कि 29 तारीख से लेकर के 4 अक्टूबर तक आप कोई भी फोन खरीद सकते हैं जो आपको पसंद आया है, बाद में आपको ऑफर नहीं देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये ऑफर वाली वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल पे अभी तक बने हुए अगर आपको लगता है ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को तो दबाइए ही दबाइए। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको अगेन बोलना चाहूँगा, स्टार्टिंग में भी बोली थी और अब भी बोलना चाहूँगा, जितना ज़्यादा हो सके लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की मदद हो सके जो स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं। अगर आप भी खरीदने वाले हो तो आपकी तो मदद हो ही गई है, उन लोगों को भी कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे फिर ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।